हेलो बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इग्नू के BSCG के फिजिक्स के बच्चों के लिए BPHCT 131 यानी कि मैकेनिक्स का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है उस बुक की कंप्लीट थ्योरी, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और PDF नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा सभी लेक्चर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट होता है जो आपको सबमिट करना होता है उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, और जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनका भी वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके साथ ही आपका जो भी सिलेबस है और जो भी आपकी ई बुक्स है उनका PDF फॉर्म आपको मिलेगा, और जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है वो आपको बताया जाएगा, उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। देन सबसे लास्ट में आपका क्रैश कोर्स करवाया जाएगा इसी फुल कोर्स के अंदर। इसमें क्या होगा, जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे उससे 1 मंथ बिफोर आपके पूरे कोर्स का एक फास्ट रिवीजन होगा, ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले यहाँ पर हम आपको एक बात बता देते हैं, अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी देखिएगा, जिससे कि आपका टाइम भी बचे, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ब्लॉक फर्स्ट, जिसका नाम है मैथमेटिकल प्रिलिमिनरीज। ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट, इसका नाम है वेक्टर एलजेब्रा फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट का सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करें। इससे पहले यहाँ पर हम आपको आपकी बुक शो कर देते हैं, आप लोग भी अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा। ये आपकी बुक का यूनिट फर्स्ट दे रखा है जिसका नाम है वेक्टर एलजेब्रा फर्स्ट। यहाँ पर वो सारे टॉपिक लिखे हैं जो आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जितने भी टॉपिक लिखे हैं हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका थ्योरी वाला पार्ट होगा, जो भी आपके एग्जाम्पल्स होंगे और जो भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अगर इस चैप्टर को समझने के लिए या फिर किसी भी टॉपिक को समझने के लिए अगर आपको एक्स्ट्रा किसी टॉपिक को हमें पढ़ाना पड़ेगा तो हम वो एक्स्ट्रा टॉपिक भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इस एक्स्ट्रा का क्या मतलब है अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले आप लोग ये एक इम्पोर्टेंट नोटिस भी देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट नोटिस क्या है, मान लीजिए आप कोई सा एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कोई सी भी टॉपिक से मतलब क्या है, या तो आप कोई थ्योरी वाला टॉपिक कर रहे होंगे, या फिर आप कोई एग्जाम्पल कर रहे होंगे, या फिर आप कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक के सामने सिंगल स्टार लगा है तो ध्यान रखना आपको उस टॉपिक को केवल समझना है, उस टॉपिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन वो टॉपिक आपके लिए आपको समझना मस्ट है, बहुत जरूरी है। अगर आप वो सिंगल स्टार वाले टॉपिक को नहीं समझेंगे तो आप उन टॉपिक को नहीं कर पाओगे जो आपके एग्जाम में आने आने वाले हैं, ठीक है। तो सिंगल स्टार वाले टॉपिक के ऊपर ना, जिससे कि आपके बेसिक क्लियर हो सके, ठीक है। देन सेकेंड, अगर किसी टॉपिक के सामने डबल स्टार लगाया तो ध्यान रखना उस टॉपिक के एग्जाम में आने के चांसेस कितने हैं, 70-80%। अगर किसी टॉपिक के सामने ट्रिपल स्टार लगाया तो उस टॉपिक के एग्जाम में आने के चांसेस कितने हैं, 80-100%। और नोट करके याद रखना, अगर आपको कोई एक ऐसा टॉपिक मिल जाता है जिसके सामने ये 5 स्टार लगे हो तो ध्यान रखना उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन सेम टू सेम नहीं आएगा, हो सकता है उस टॉपिक की लैंग्वेज चेंज हो, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो, लेकिन 5 स्टार वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट, इसका नाम क्या है, वेक्टर एलजेब्रा फर्स्ट, ठीक है। जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, फर्स्ट टॉपिक दे रखा हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, जिसे कहते हैं सिंगल स्टार टॉपिक है। अब स्टार्स का मतलब हमने आपको भी बताया गया था, और ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है। हमने आपको बताया था ना कि अगर चैप्टर को समझने के लिए हमें कोई आपको एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा तो हम वो भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, पहली क्या है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। दोनों की हम क्या देखने वाले हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, प्लस इसका जो भी एग्जाम्पल्स होंगे वो देखने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड टॉपिक क्या है, ये डबल स्टार टॉपिक है, ये जरूरी है, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, और साथ में देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर, जो स्केलर क्वांटिटी होगी उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो इसमें देखने वाले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से भी, आपको स्टार का मतलब पता होना चाहिए। अब थर्ड हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर क्वांटिटी, डबल स्टार टॉपिक है। अब हम आपको स्टार के बारे में बार बार नहीं बोलेंगे, ठीक है। थर्ड टॉपिक है वेक्टर क्वांटिटीज, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, फर्स्ट देखेंगे
ज्योमेट्रिक और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, मतलब वेक्टर क्वांटिटी का जो ग्राफ होगा वो किस तरीके से होगा, किस तरह उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। सेकेंड हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स, जैसे प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर हमने पढ़ा, उसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स भी हम लोग पढ़ेंगे। और ये बी नहीं है, सी है, सी पॉइंट है, ठीक है। तो सी पॉइंट हमें क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ वेक्टर्स, जितने भी वेक्टर्स होते हैं उनके टाइप्स के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एलजेब्रा किसे कहते हैं। इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, किसी भी दो वेक्टर का एडिशन क्या होता है, ठीक है। सेकेंड हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, किसी भी दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, किसी वेक्टर में किसी स्केलर की मल्टीप्लाई कैसे कैसे करते हैं, और यहाँ पे स्केलर का क्या मतलब है वो भी हम लेक्चर के साथ साथ ही बताएंगे, ठीक है। फिफ्थ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी आप लोगों ने इसमें पढ़ा ना वेक्टर एडिशन, आप लोग यहाँ पढ़ोगे वेक्टर एडिशन के बारे में, तो इस वेक्टर एडिशन से रिलेटेड तीन लॉ है। पहला लॉ क्या है, ट्राइंगल लॉ, दूसरा क्या है, पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा क्या हमारे पास, पॉलीगॉन लॉ। इन तीनों लॉ के बारे में पढ़ना है, डबल स्टार टॉपिक ध्यान रखना। सिक्स हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से ट्रिपल स्टार, और ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें दो पढ़ेंगे, पहला स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ये आपका जो है पूरी बुक में यूज होगा, ठीक है, फिर इसकी पूरी की पूरी बुक में यूज होने वाला है, तो इसे प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इसके साथ ही हम लोग ये करने वाले हैं, ये जो नीचे दे रखा है क्या है, मान लीजिए अगर आप लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो लेक्चर नंबर फर्स्ट से रिलेटेड आपके बुक में जो भी थ्योरी एग्जाम्पल एसएक्यूज टर्मिनल क्वेश्चंस होंगे या प्रैक्टिस के लिए जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें पढ़ाना पड़ेगा या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस सारे के सारे हम लोग लेक्चर फर्स्ट से रिलेटेड वो करवाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं। सिंगल स्टार टॉपिक केवल समझना है, दो टाइप की होगी, पहले स्केलर क्वांटिटीज, दूसरा क्या हमारे पास होगा, वेक्टर क्वांटिटीज। साथ में ये पढ़ने वाले हैं लेक्चर फर्स्ट से रिलेटेड थ्योरी एग्जाम्पल एसएक्यूज टर्मिनल क्वेश्चंस होंगे, जो आपकी बुक के पीछे होते लास्ट में होते हैं यूनिट के लास्ट में, प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या दे रखी है देखो, कह देंगे फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। सिंगल स्टार टॉपिक होगा, समझिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत सिंपल सा। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, इसमें क्या देखा, टाइम दे रखा है। आप बताओ कि आप टाइम को मेजर कर सकते हो, हाँ मेजर कर सकते हो। आपने टाइम बहुत बार लिखा होगा ना, ऐसे क्या होगा 2 आवर्स, या फिर आपने टाइम में क्या लिखा होगा 45 मिनट्स, ऐसे लिखा था ना आपने, या फिर आपने टाइम में क्या लिखा होगा 20 सेकेंड। इसके अलावा आप और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम क्या है, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम क्या है, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, याद रहेगा आपको, टाइम क्या है, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे दो पर्सन है जो एक बॉक्स को क्या लगा रहे हैं, एक बॉक्स पर एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने फोर्स के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है, बेसिक बात है, बहुत अच्छे से फोर्स आपने पढ़ा होगा ना, फोर्स में आपने क्या पढ़ा था, फोर्स इक्वल टू पढ़ा था ना, 20 न्यूटन, ऐसा आपने फोर्स पढ़ा था, या फोर्स इक्वल टू आपने पढ़ा था 30 या 300 न्यूटन आपने पढ़ा था। फोर्स भी क्या है, फोर्स भी एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अभी हमने आपको फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेशन क्या बताई, फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेशन क्या थी, बहुत सिंपल सी, देखो अगेन रिपीट कर देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसे आप मेजर कर सकते हो और जिसे आप कोई नंबर दे सकते हो, ठीक है, जिसे आप मेजर कर सकते हो और जिसे हम कोई नंबर दे सकते। इसमें क्या क्या, हमने टाइम को क्या बोला 2 घंटे, टाइम को क्या बोला 45 मिनट्स, टाइम को क्या बोला 20 सेकेंड, फोर्स को हमने क्या बोला 20 न्यूटन, फोर्स को हमने क्या बोला 300 न्यूटन। तो ध्यान रखना, हर एक वो चीज या फिर हर एक वो इवेंट जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप एक नंबर दे सकते हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जिसे भी आप मेजर कर सकते हो उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे और एग्जाम्पल देख लो जरा, एक एग्जाम्पल डिस्टेंस, आप लोगों ने बहुत बार लिखा होगा डिस्टेंस, लिखा है डिस्टेंस में आप लोग क्या लिखते हो, लिखते हो डिस्टेंस 20 20 मीटर, या फिर आप डिस्टेंस का लिखते हो मान लीजिए 25 किलोमीटर, है ना, या फिर आप डिस्टेंस का लिखते हो मान लीजिए 300 सेंटीमीटर लिखते हो। तो ये क्या, इसका क्या मतलब है,
डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, ध्यान रखना। हर एक वो चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, जिसको एक नंबर दे सकते हो, ठीक है, जिसको आप एक नंबर दे सकते हो, साथ में एक यूनिट भी दे सकते हो। अब यूनिट का क्या मतलब है, जैसे जैसे आप लेक्चर में आगे बढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लाल आप यहाँ पे ये याद रखना कि हर एक वो चीज, हर एक वो इवेंट, हर एक वो घटना जिसको आप नाप सकते हो, उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एक सेकेंड एग्जाम्पल और देख लीजिए, आप लोगों ने स्पीड पढ़ा है, सब लोगों ने पढ़ा होगा स्पीड पढ़ा है। स्पीड में क्या लिखते हो कि 30 मीटर पर सेकेंड, याद है, ठीक है। या फिर आपने पढ़ा हो ना 40 किलोमीटर पर सेकेंड, पर आवर, ये भी आपने पढ़ा है ना, तो आपने क्या पढ़ा था? या फिर 100 किलोमीटर पर आवर पढ़ा है ना आपने, ये तो क्या है, स्पीड भी क्या है, स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा डेफिनेशन क्या थी। डेफिनेशन सिंपल सी थी, हर एक वो चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप एक नंबर दे सकते हो, जिसको आप एक यूनिट दे सकते हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, फोर्स। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमें ऐसे कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी याद रखनी पड़ेगी। आपको कुछ भी याद नहीं रखना बच्चों, जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ोगे, जिस चैप्टर में जो भी फिजिकल क्वांटिटी जो भी आप उसको समझते हुए चलना, आपको सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं इसी में, नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? पी इक्वल टू में NU, लिखा ना ये पी इक्वल टू एन यू। पी क्या है? पी आपको शो करेगा, पी का मतलब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी नेम। एन का क्या मतलब है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और यू का क्या मतलब है? यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे यहां पर हम आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं, एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले एक एग्जाम्पल देख लीजिए डिस्टेंस का, ठीक है। डिस्टेंस आप लोगों ने डिस्टेंस ऐसे लिखा होगा ना, डिस्टेंस डी से शो करते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू 25 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी हो गई पी, है ना। और ये क्या है हमारे पास, 25 का एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और एम क्या हो गया, उसकी यूनिट हो गया। तो ही हमने आपको बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी इक्वल टू एन यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम किसी सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, दूसरे को सेकेंड एग्जाम्पल मान लीजिए, फोर्स लिख लेते हैं, ठीक है। फोर्स क्या है? एफ, ठीक है। फोर्स कितना हो गया, मान लो हमारे पास 300 न्यूटन। और अब यहाँ पे नोटिस करोगे, ये देखो ये फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। 300 क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और एन क्या है, उसकी यूनिट। तो यहां से आप नोटिस कर पा रहे हो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी इक्वल टू में एन यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। पी क्या बताएगा? पी आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताएगा। पी क्या बताएगा? उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताने वाला है। क्या है वो फिजिकल क्वांटिटी? जैसे यहाँ पे क्या थी, डिस्टेंस और फोर्स, इस तरह कोई सी भी हो सकती है। एन क्या बताएगा? एस एन उस फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा कि उस फिजिकल क्वांटिटी की आखिर वैल्यू कितनी है। जैसे यहाँ पे क्या थी, 25, और इसमें क्या थी, 300। और यू यू क्या बताएगा? यू आपको उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बताएगा कि आप उस फिजिकल क्वांटिटी को किस किस में मेजर कर रहे हो, जैसे इसमें क्या है, मीटर या फिर न्यूटन, समझ लो ना, ठीक है। और यूनिट का मतलब क्या, डिटेल में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमने आपको क्या बताया, अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है। ये देखो यहाँ पे बताया था हमने, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होगी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा, वीडियो को बैक करना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दो बार देखना तो कंफर्म है आपको समझ में आएगा। अब हम करते हैं स्केलर क्वांटिटी, फिर पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, अब स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन बताने से पहले यहाँ पर हम आपको एक नोट करके एक एग्जाम्पल बताते हैं, और इस एग्जाम्पल को सुनने के बाद आप एक बार वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई करना है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई घड़ी है, ठीक है, आप घर पे बैठे हो और आपकी घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, 8 बज रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, कितना बज रहा है हमारे पास, 8 PM हो रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम्पल है, आप समझ जाओगे। आपकी घड़ी में कितना बज रहा है, 8 बज रहा है। अगर आप अपने फेस को ईस्ट डायरेक्शन में करो, किस डायरेक्शन में करो, ईस्ट डायरेक्शन में करो,
तब आपकी घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा, 8 PM। अगर आप अपने फेस को उसी टाइम पे वेस्ट में कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो, तब आपकी घड़ी में कितना बजेगा, तब भी तो आपकी घड़ी में 8 PM ही होगा। अगर आप अपने फेस को नॉर्थ डायरेक्शन में कर दो, ठीक है, तब आपके घड़ी में कितना बज रहा होगा, 8 PM। अगर आपने फेस को साउथ में कर दो, तब आपकी घड़ी में कितना बज रहा होगा, 8 PM। मेरा ये कहने का हमारा ये कहने का मतलब है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू पर, ध्यान सुनना, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू पर डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके घर में कितना बज रहा था, घड़ी में 8 बज रहा है, आपने अपने फेस को ईस्ट में किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तब भी 8 बजा। वेस्ट में किया तब भी 8 बजा, नॉर्थ में किया तब भी 8 बजा, और साउथ में किया तब भी 8 बजा। तो इसका मतलब टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटी अभी डेफिनेशन अलग से बताएंगे, ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू में डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड एग्जाम्पल देख लो, टेम्परेचर, टेम्परेचर का एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, मान लीजिए आपके घर में 1 कप चाय रखी है, गर्म चाय है, ठीक है, और मान लीजिए उसका टेम्परेचर कितना दे रखा है, बहुत सिंपल सा, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप इस 1 कप चाय को, ठीक है, 1 कप चाय को अगर आप इस डायरेक्शन में फेस करके बैठ जाओ, समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए आपके हाथ में 1 कप चाय है और उस कप के चाय को अपने फेस को इस डायरेक्शन में करके बैठ जाओ, तब भी उस कप का टेम्परेचर कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस। अगर आप उसी कप को आप वेस्ट में लेकर बैठ जाओ, वेस्ट डायरेक्शन में, तब भी उसका टेम्परेचर कितना होने वाला है, 20 डिग्री सेल्सियस। आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल सा ये मतलब है। अगर आप किसी टेम्परेचर के किसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर कितना, 20 डिग्री सेल्सियस है, उसको किसी भी डायरेक्शन में लेकर बैठ जाओ, उसके टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर है, आपको समझ में आ गया? तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख लो फटाफट से, स्केलर क्वांटिटीज किसे कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज दैट आर डिस्क्राइब ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब ये नंबर, नंबर, ठीक है, मतलब नंबर, ओनली नंबर, टाइम के हमें केवल नंबर चाहिए होता है ना, डायरेक्शन नहीं चाहिए होता, ओनली डिस्क्राइब बाय ओनली मैग्नीट्यूड एंड बाय अ यूनिट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, नो डायरेक्शन। अभी आपको समझ में आ रहा होगा ना, तो हम इसे जल्दी से बाइंड अप करते हैं कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको आपको मेजर करने के लिए केवल क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, और आपको एक यूनिट चाहिए होती है। इसमें यूनिट क्या है, 20 डिग्री, और यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री डिग्री सेल्सियस। टाइम में क्या तुम्हारे पास, 8, और का PM या AM जो भी होता है, ठीक है, तो जैसे समझना, जैसे टाइम है, टाइम, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, और आपका डिस्टेंस, ऐसे बहुत सारी, ऐसे बहुत सारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब अगेन आपके मन में आएगा सर हम कौन कौन से याद करें, हम फिर भी बोलेंगे आपको याद कुछ भी नहीं करना है, चैप्टर के साथ साथ आगे बढ़ना है, जिस जिस लेक्चर में जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको बताई जाए बस उसको समझते हुए चलना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी। अगेन अब वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल को समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ठीक है, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। इस पिक्चर में क्या है, वो दो पर्सन है जो किसी बॉक्स को क्या कर रहा है, धक्का लगा रहे हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं। अब यहाँ पर एक बार ध्यान से सुनना जरा, मान लीजिए किसी कमरे में एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, और उसे उसे कहा जाता है, हाँ देखिए, मान लीजिए आपके घर में एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, ये बॉक्स आपके घर में रखा हुआ है, और आपके फादर आपसे बोलते हैं कि बेटा इस बॉक्स को खिसका दो, इस बॉक्स को खिसका दो, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा सबसे पहले कि किस तरफ खिसकाना है, किस तरफ से मतलब किस डायरेक्शन में खिसकाना है, यानी आपको इस बॉक्स को किस तरफ लेकर जाना है, तभी तो आप इस पर फोर्स लगाओगे। तो फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, फोर्स आप तभी लगाओगे जब आपको पता होगा कि इस बॉक्स को किस तरफ या किस डायरेक्शन में खिसकाना है, ठीक है। तो फोर्स क्या है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो, ध्यान रखना, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो तो आपने उसकी वैल्यू ऐसे लिखी होगी ना, 200 न्यूटन। किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से खिसक जाता है ना, तो वो किसी ना किसी डायरेक्शन में तो खिसकेगा। या तो आप बॉक्स को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, या फिर आप इसी बॉक्स को वेस्ट में लाओगे, या फिर आप इसी बॉक्स को नॉर्थ डायरेक्शन में, या फिर आप इसी बॉक्स को साउथ डायरेक्शन में। तो हर डायरेक्शन में, ध्यान से सुनना,
एफ की वैल्यू, ये भी फोर्स हमारे पास 200 न्यूटन, एग्जाम्पल समझा रहे हैं, ये भी क्या है 200 न्यूटन और ये भी क्या हमारे पास 200 न्यूटन। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, इन चारों ही केस में, बहुत अच्छा समझना, इन चारों ही केस में फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है 200 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। और आप जानते हो कि अगर हमने इस बॉक्स को 200 न्यूटन लगा के 200 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में लगाया तो बॉक्स कहीं और पहुंच जाए, उसकी डायरेक्ट वो कहीं और पहुंचेगा। अगर हम उसी बॉक्स में 200 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे वेस्ट डायरेक्शन में तो बॉक्स की पोजिशन अलग होगी। अगर हम सेम फोर्स लगाएंगे नॉर्थ डायरेक्शन में तब बॉक्स की पोजिशन कुछ अलग होगी। अगर हम सेम फोर्स को साउथ डायरेक्शन में लगाएंगे तो उस बॉक्स की पोजिशन अलग होगी। आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जब भी हमने सेम फोर्स को अलग अलग डायरेक्शन में लगाया तो उसकी पोजिशन अलग अलग है। समझ में आ रहा है ना? आप ये बॉक्स है, इस बॉक्स को आप इधर भी खिसका सकते हो सेम फोर्स लगा के, इधर भी खिसका सकते हो सेम फोर्स लगा के, इधर ऊपर भी खिसका सकते हो सेम फोर्स लगा के, और नीचे भी खिसका सकते हो सेम फोर्स लगा के। यानी जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं उसमें डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, उसमें डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको शो करने के लिए हमें डायरेक्शन भी बताना पड़े, उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। यहाँ डेफिनेशन देख लो, बच्चे मिस प्रिंट हो गई, यहाँ पे स्केल नहीं है, वेक्टर लिखा होगा, यहाँ पे क्या लिखा होगा, वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर क्वांटिटी दैट आर डिस्क्राइब ओनली बाय मैग्नीट्यूड एंड बाय अ यूनिट, जिससे हम किसे शो करते हैं, ठीक है, जिससे हम किसे शो करते हैं, मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट से, एंड ऑल्सो अ डायरेक्शन, ये देखो एंड ऑल्सो अ डायरेक्शन। अभी आपको क्लियर होगा कि वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको शो करने के लिए आप लोगों को मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और क्या चाहिए होता है, डायरेक्शन भी चाहिए होती है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बच्चों, आज तो जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा आपको इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना था, सिंगल स्टार टॉपिक हमने आपको पहले समझा दिया था। फर्स्ट टॉपिक हमें क्या सीखना है, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिससे आप लोग मेजर कर सकते हो और इससे आप एक नंबर दे सकते हो, है ना, P इक्वल टू एन यू के फॉर्म में। अभी तो हमने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए फोर्स इक्वल टू में 20 न्यूटन, तो ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। टाइम देगा, टाइम क्या हमारे पास 2 आवर 2 घंटे, ये भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। वर्क ले रहे हो, वर्क कितना हो गया 20 जूल, तो ये भी क्या हमारे पास है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स लिखो हमारे पास क्या, हमारे पास 13 न्यूटन, तो ये भी क्या हमारे पास है, फिजिकल क्वांटिटी है। इतना क्लियर है आपको? और दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी और दूसरी क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसे बोलते हैं, स्केलर उसे बोलते हैं जिसको शो करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, जैसे टाइम, जैसे जैसे टाइम, टाइम को शो करने के लिए आपको डायरेक्शन नहीं बताना पड़ता, टाइम हर जगह टाइम सेम ही होगा। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसको बताने के लिए आपको डायरेक्शन भी बताना पड़े, जैसे कि हमने आपको फोर्स का एग्जांपल दिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होंगे, आपको ये आपको सारे याद नहीं करने, चैप्टर के साथ साथ आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपकी जो इग्नू की बुक दे रखी है उस बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए होंगे, ऐसे क्यूज दिए होंगे, टर्मिनल क्वेश्चन और जो हमारे साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको बताएंगे लेक्चर फर्स्ट से रिलेटेड, क्योंकि ये एक्स्ट्रा टॉपिक था हमने अपने तरफ से पढ़ाया था। तो आपकी बुक में कोई से भी इसके एग्जाम्पल या ऐसे क्यूज या टर्मिनल क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिस के लिए भी और कोई एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको केवल इन तीनों की डेफिनेशन याद रखनी है और इनके एग्जाम्पल याद रखने, ठीक है। वीडियो को बैक करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। बस एक छोटा सा ये नोट पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये प्री टेस्ट दे रखा है आपकी ही बुक का, अपनी बुक में देख लीजिएगा। इस प्री टेस्ट में आपको पहचानना क्या पहचानना है, दे रखा है फर्स्ट, क्लासीफाई द फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्केलर और वेक्टर, यानी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए आपको इनमें से स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को पहचानना है। देखो अभी हम करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या दे रखा है, द मैक्सिमम टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर इज 42 डिग्री, क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। तो ये टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, स्केलर को जो स्केलर क्वांटिटी होगी उसे हम एस से शो कर देंगे और जो वेक्टर होगी उसे हम लोग वी से शो कर देंगे, ठीक है, उसके ठीक सामने लिख देंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर अभी हमने आपको जस्ट समझाया था कि टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी, स्केलर, स्केलर क्यों, अरे आप टेम मान लीजिए अगर आज आपके घर में 42 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है तो आप किसी भी डायरेक्शन में खड़े हो जाओ आपका टेम्परेचर उतना ही रहने वाला है, यानी ये क्या स्केलर क्वांटिटीज में, उसमें वेक्टर का कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड हमारे पास क्या है,
द लिफ्ट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। देखो यहाँ तो ऑलरेडी दे रखा है एक्सेलरेशन क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और कौन से डायरेक्शन में अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन ऑलरेडी दे रखी है, यानी ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन दी हो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कैसे देखा हमारे पास, द मॉनसून क्लाउड आर मूविंग स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है। बच्चों कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे आप जो सीख रहे हो ना टेम्परेचर एक्सेलेरेशन या स्पीड, जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ोगे ना, जिस चैप्टर में टेम्परेचर होगा हम वहाँ पे डिटेल में समझा देंगे टेम्परेचर स्केलर क्यों है या वेक्टर क्यों है। ठीक है, एक्सेलेरेशन जिस भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो स्केलर या वेक्टर क्यों है हम डिटेल में समझाएंगे। स्पीड जिस भी चैप्टर में होगा वो स्केलर या वेक्टर क्यों हम डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे डेंसिटी, ठीक है, इसमें क्या है वेलोसिटी, सेकेंड इस वाले पे आ जाओ वेवलेंथ, इसमें क्या हमारे पास मास। तो प्लीज यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, ये जितने भी टॉपिक है ना हम लोग आपके चैप्टर के साथ साथ समझा देंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये वाला देख लो, द मास ऑफ अर्थ इज कितना है, 5.97974210^24 kg। अब मुझे बताओ मास कैसी क्वांटिटी है। अरे भाई अगर आपके घर में 1 किलो राइस है, आपके घर में राइस कितना है, 1 किलो राइस है, अब उस क्या, अब अगर आप उस 1 किलो राइस को इस डायरेक्शन में फेस करो अपना, तो उसकी वैल्यू क्या बदल जाएगी, तब भी तो आपका राइस 1 किलो ही रहेगा, क्या वो चेंज होगा, नहीं चेंज होगा ना, तब भी वो 1 किलो रहेगा। अगर आप उस राइस को, उस चावल को वेस्ट डायरेक्शन में लेके खड़े हो जाओ, तब भी आपका वो राइस क्या रहेगा, 1 kg ही रहने वाला है, वो तो चेंज नहीं होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मास क्या है, मास एक वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू डायरेक्शन के चेंज होने पर चेंज नहीं होती है। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसमें क्या हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट है, नेक्स्ट है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये सारे के सारे आप पढ़ोगे, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ोगे ना आप पढ़ोगे, तो यहाँ पे भी हम आपको डायरेक्टली ऐसे बोल दें स्केलर है वेक्टर है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो जिस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वहां पर हम आपको समझा देंगे। ठीक है, ये क्या देखा है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज, ये भी क्या है देखो 1538 डिग्री सेल्सियस, ये भी टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या था स्केलर, हमने अभी आपको आपको थोड़ा समझाया था डिटेल में, है ना। उसी तरह सेकंड का देखा है यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ध्यान रखना एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा कि स्केलर और वेक्टर को पहचानो। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी देखे, चार्ज फोर्स मोमेंटम स्पीड डिस्टेंस इंपल्स इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ना बहुत सारी, आपको इन सभी में से क्या फाइंड करना है, वेक्टर क्वांटिटी फाइंड करनी है। ठीक है, और क्या देखा है, रिप्रेजेंट ईच वेक्टर ग्राफिकली इन डायरेक्शन ऑफ योर चॉइस, यूज एप्रोप्रिएट नोटेशन ऑफ ईच वेक्टर। तो बच्चों हम आपको इसके बारे में एक ही बात बोलेंगे, जब आप इन टॉपिक के चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उस समय ही हम लोग बता देंगे इनमें से कौन सा वेक्टर है, कौन सा स्केलर है, उसका नोटेशन क्या होगा। ठीक है, इनके सभी के चैप्टर है, चैप्टर में पढ़ोगे तो ज्यादा आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, परेशान बिल्कुल भी मत होना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले, नेक्स्ट लेक्चर नंबर सेकंड पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्केलर क्वांटिटी दो टाइप की थी, तो उसमें से आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, डबल स्टार टॉपिक है, ये ध्यान रखना एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन। इसी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर क्या होता है, साथ में ये भी पढ़ेंगे। आपका जो लेक्चर नंबर सेकंड होगा, जब हम लेक्चर नंबर सेकंड होगा, लेक्चर नंबर सेकंड से रिलेटेड आपके ग्रुप में जो भी थ्योरी एग्जाम्पल एसएक्यूज टर्मिनल क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो हम आपको साथ साथ करवाते हुए चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे फुल कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इसमें आपको क्या मिलेगा, आप जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है, उस बुक की कंप्लीट थ्योरी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, सभी लेक्चर्स के साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट होता है जो आपको सबमिट करना होता है, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, और जो आपके प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसके साथ ही आपका जो सिलेबस है, आपकी जो बुक है, उनका पीडीएफ फॉर्म आपको मिलेगा, और जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न होता है जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है, वो आपको बताया जाएगा। इसके साथ ही सबसे एंड में आपका क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, जब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा उससे 1 मंथ बिफोर आपके फुल कोर्स का एक फास्ट रिविजन होगा। ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, इसलिए पहले फुल कोर्स को कर लीजिएगा, फिर जब क्रैश कोर्स करोगे ना फास्ट तरीके से, वो आपको बहुत इजीली बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर सेकंड में।